यशोमति मैया के नंदलाला। अरे बात सुनो, मैं दाऊं तुम्हारा, वो जो भी था पन था तो गोवन से ही ना। तुमसे उसकी हत्या हुई है और तुम्हें इसका प्रायश्चित करना ही चाहिए। पर कैसे करूं? मैं तो चलते चलते थक गया। इतने कंकर पत्थर सूख रहे हो या? वैसे तो मैं चलते चलते एक बार मथुरा पहुंच गया था, पर आज धूप के कारण पत्थर अभी तक तप रहे हैं। मेरे तो बाएं ही जल गए। सच्ची, यहाँ से निकलूं तो गंगा नहा लूं। गारो सब पोपिया भी यही कहती है कान्हा। हाँ नौ मैया भी कहती है, तू बड़ा हो जाए तो मैं गंगा नहा लूं। तू चरण कब करे तो मैं गंगा नहा लूं। अच्छे से भोजन करना आरंभ कर दे तो मैं गंगा नहा लूं। हाँ, माँ भी बात पर ऐसा ही कहती है। और जब मैंने इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि गंगा में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। सुनो गोपालक सुनो, ये सूखा सूखा मार्ग छोड़ो, यमुना जी के किनारे किनारे होके चलते हैं, बहुत आनंद आएगा। कान्हा, मैं गंगा की बात कर रहा था, यमुना की नहीं। तो आप चलिए तो सही। तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? कौन सी योजना बन रही है तुम्हारे मस्तिष्क में? और हम यमुना की ओर क्यों जा रहे हैं? इतनी कोमल और ठंडी है यहाँ की भूमि। कान्हा, बहुत बढ़िया मार्ग चुना है तूने। पिछले मार्ग पे चलते रहते तो घर पहुँचने से पहले ही प्राण निकल जाते हमारे। यही तो यमुना जी का चमत्कार है सखा। अब समझा कि तुमने ये वाला मार्ग क्यों चुना था। पर कान्हा, गंगा स्नान की समस्या का समाधान कैसे निकालोगे तुम? उसमें तो यमुना जी भी सहायता नहीं कर पाएंगी। क्या पता कर ही दे। देवी यमुना, आज आपकी लहरों में अलग ही उत्साह है। बहुत प्रसन्न लग रही है आज। प्रणाम देवी गंगा, प्रसन्नता की बात तो है ही। वृंदावन में मेरे तट के निकट से होकर आज श्री कृष्ण जा रहे हैं। मेरा जल उनके चरण कमलों को स्पर्श कर पा रहा है देवी। बस यही सोच सोच कर मेरा एक एक बोल हर्षित हो रहा है देवी। आप कितने सौभाग्यशाली है देवी, प्रभु विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श, उनका वंदन कर सकती है आप, उनकी लीलाएं देख सकती है, नित्य ही उनके दर्शनों का पुण्य प्रताप प्राप्त कर सकती है। किसी तरह आपके जैसा सौभाग्य मुझे मिल पाता तो धन्य हो जाती मैं। तथा किसी इच्छा पूरी करने का वरदान दे रहे हो क्या ना? चिंता मत करो दाऊ, अब गंगा जी वृंदावन पधारने वाली है। पर ये कैसे संभव है? यदि श्री कृष्ण चाहे तो सब कुछ संभव है देवी। तो फिर मैं उस क्षण की प्रतीक्षा करूंगी जब प्रभु के दर्शन मुझे भी प्राप्त होंगे। अब हर क्षण मेरे अधरों पर एक ही प्रार्थना होगी कि वो क्षण शीघ्र आए।
लगता है इस बार दीपावली की सारी सजावट का दायित्व तो घर के पुरुषों ने ले रखो है। रुको जी, सुनो, आपने तो कान्हा को वचन दिया था ना कि अब हम पीछे पीछे उसके साथ वन में ना जाएंगे, फिर क्यों ले जा रहे हो मुझे? कहीं कान्हा फिर से क्रोधित होगा तो? और आप अपना वचन तोड़ोगे? किसने कही मैं तुम्हें वन ले जा रहा हूँ? स्मरण करो ये सब, मैंने कही थी कि मैं तुम्हें कान्हा के पास ले जा रहा हूँ। ध्यान से देखो, गौधली बेला है, कान्हा बस आतो ही होगा। अच्छा, तो जे चतुराई दिखाई है आपने? दिखानी ही पड़ती है यशोदा रानी, जब अपने लल्ला और लल्ला की मैया को दिए हुए वचन का मान रखना हो तो चतुराई तो दिखानी पड़ेगी ना। आओ। तो अपने अपने पतियों को काम सौंप कर सब यहाँ आ गई। इसी को तो ममता कहते हैं नंद जी, दीपावली जैसे त्योहार की व्यवस्था छोड़कर सब अपने लल्ला की प्रतीक्षा में हैं। जी आगे सारे बालक। मैया, तुम्हारे कहने का अर्थ क्या है कान्हा? कि गंगा जी आ चले आएंगे? पर ये तो असंभव है, कोई महादेव शिव तो ना हो जो गंगा जी को वृंदावन में उतार लोगे? पर अलग भी तो नहीं है, मैं और वो, हम दोनों एक ही हैं। क्या देख रहा हूं मैं? देखो तो, श्री नारायण के जैसे सच धज के गया था और कैसे भभूत में लिपट के भोलेनाथ के जैसे बन के लौटो है। हम दोनों एक ही तो है मैया, कोई अंतर ना है मुझ में और शिव जी में। हम दोनों ही जी प्रेमी है, प्राणियों से भी निसास भाव से प्रेम करते हैं और पशुओं से भी। अंतर है तो केवल इतना कि मैं गौपालक कहलाता हूँ और वो पशुपति। मैं गौपालक कहलाता हूँ और वो पशुपति। वन में पहला दिन कैसा गया कान्हा? अपने हाथ से माखन बनाकर उज्जवल से भिजवाया था, इसने दिया कि नहीं तुझे? और मैंने शिदामा के हाथ तेरे लिए गुड़ वाला दही भेजा था, तूने खायो कि ना? मैं तो कोई देख ही ना रहा। सच्ची सच्ची बता कान्हा, तेरे दाऊ ने तेरा ध्यान रखा कि ना? कोई हमसे भी तो पूछ लो, तो कोई ध्यान ही ना दे रहे है। अरे अपने अपने लल्ला को देखो, मेरे कान्हा के पीछे पड़ी है सबकी सब। गैयाओं ने ज्यादा परेशान तो ना किया ना? और वन में भय तो ना लगो? कान्हा भोजन समय पे करो था कि भूल गया था? हाँ हाँ, मैंने आप सबके भेजे पकवान भी खाए और आप सबको बात स्मरण करो, इसीलिए तो आप सबके लिए वन से कछुआ कछु लाया हूँ मैं।
कब से इसके लिए व्याकुल थी मैं, यहीं खड़ी थी, पर इसके पास तो इतना भी समय ना है अपनी मैया की ओर आंख उठा के भी देख ले। क्या हो वो, इतनी देर तक इसकी प्रतीक्षा की और अब आयो है तो क्रोधित होके जा रही है। केवल गोपियों का ध्यान है, मैया का कछु ध्यान ही ना है। बस मैं ही मूर्ख हूं, पूरा दिन इसको स्मरण करती रही, भूखी प्यासी इसकी चिंता करती रही, और जे गोपियों के लिए फूल लायो है और अपनी मैया के लिए कछु न। मैया अरे वाह, मेरे स्वागत से तो पूरा वृंदावन सजा दिया आपने। अधिक प्रसन्न होने की आवश्यकता ना है, वृंदावन तेरे लौटने की प्रसन्नता में ना, राम जी के अयोध्या लौटने की प्रसन्नता में सज रहे हैं। दीपावली है कल, वो स्वागत भी तो मेरा ही था मैया, दिवाली की प्रसन्नता भी तो मेरे लिए ही है, हर मैया के लिए उसका लल्ला जी राम ही होता है, है ना मैया? जे किसने कहो तुझसे? नाना मैंने कछु ना बोला इसे। अपने राम को रिद्धि से ना लगाओगी मैया? तुझे अच्छे से पहचानती हूँ मैं, हृदय से ना लगनो है, तुझे तो भूख लगी आई, इसीलिए सबके बाद तुझे मैया की स्मृति आती है ना? मैया की स्मृति तो सबसे पहले आती है। चल झूठा ना मैया, मैं सच्ची बोल रहा हूँ, मैं भले ही वन में था पर मेरा मन तो आपके पास ही था, इसीलिए तो सबसे विशेष फूल लाई हूँ मैं आपके लिए। जे मेरे लिए लाया है तू? हाँ यशोमती मैया के लग जाने दे। तुझे पता है तुझे हृदय से लगाने के लिए कितना तड़पी हूँ मैं? मैं भी तो तड़प रहा था मैया, इसलिए तो आपके लिए कमल का फूल आया हूँ। भूख लगी आई होगी ना तुझे? चल मुँह हाथ धुला देती हूँ, आजा चल आजा। अच्छा एक बात बता नन्ना, तूने कमल के फूल को विशेष क्यों कहा? क्योंकि कमल कीचड़ में उगता है, फिर भी अपने पे कीचड़ ना लगने दे दो, अपनी मर्यादा को भंग ना आने दे दो। ये देखो मैया, जल भी इस पे ना ठहर पातो, इससे तो यही सिद्ध होता है ना कि संसार में लिपना तो अनाथक बना रहता है। मर्यादा
अनासक, कहां से आए हो इतना सारा ज्ञान एक ही दिन में? हुँ? और जे कमल का फूल मुझे देकर क्या जताना चाहते है? इसके जैसे मैं भी अनासक्त बन जाऊं? बोले में हानि ना है मैया, कौन जाने भविष्य में आवश्यकता पड़ जाए। भविष्य में आवश्यकता? जो मुंह में आए बोलते है, चुप कर। हाँ, बड़ी बड़ी बातें बाद में करना, पहले तू मुझे जे बता आज मन में क्या क्या हुआ। असुर का भेद छिपा नहीं पाएंगे, कोई ना कोई तो उगल ही गएगा। और यदि उज्जवल ने बताया तब तो बड़ा चराके बोलेगा, इससे तो अच्छा है मैं ही बता दूं। पता है मैया, हम सब गैयाओं की रक्षा वैसे ही कर रहे थे, पर से सृष्टि की रक्षा अष्टिकपाल करती है। अच्छा? हाँ, पर तभी एक विचित्र घटना हुई। एक वक्त अचानक ही बहुत हिंसक हो गए, पर भगवान श्री नारायण ने सब संभाल लिया। ऐसा उठा के पटको उसे एक ही क्षण में सारी समस्या समाप्त हो गई। संगत का असर हो तो है जो सुना था, आज देख भी लियो लल्ला, तू भी उज्जवल के जैसे बड़बोला होता जा रहा है। चल। मैं सच्ची कह रहा हूँ मैया। हम सभी गुप्तचरों ने अपनी आंखों से देखा है महाराज, एक ही बार में वत्सासुर के प्राण चले गए। ये वत्सासुर का अंत नहीं, एक महायुद्ध का आरंभ है। मेरे और उस विष्णु अवतार के मध्य महायुद्ध। फिर जैसे ही उस वत्स को हिंसा करते देखो, नारायण ने ठान लियो कि गोपालक को कोई हानि न पहुंचाने दूंगो। फिर उन्होंने उसे चुनौती दी। अब बस कर लल्ला, जब से आयो है ना तब से कई बार सुना चुको है। मैं रंगोली समाप्त कर लूं, फिर लक्ष्मी जी की पगचिन बनाने में मेरी सहायता करियो। मेरे पगचिन्ह बनाने में आप सहायता करेंगे प्रभु? मैया ने आज्ञा दी है देवी, पालन तो करना होगा। अभी पक्षी क्यों बना रहे हो मैया? लक्ष्मी जी तो अभी आई ना है। दीपावली के दिन वो आए, इसीलिए तो उनके स्वागत के लिए जो पक्षी बनाया जाता है नन्ना। पर दिवाली के दिन तो राम जी आए थे, तो फिर हम लक्ष्मी जी के पक्षी क्यों मनाते हैं मैया? तो राम जी के साथ वनवास से कौन लौटा था? लक्ष्मण जी और सीता जी। और सीता जी कौन है? वही तो लक्ष्मी जी है लल्ला। जब राम जी अयोध्या लौटे तो वे अपने साथ श्री अर्थात सुख समृद्धि और संपन्नता लेकर आए। जे पगचिन लक्ष्मी जी के रूप में उसी का प्रतीक है कान्हा, समझ आई? लो, मुझे तो पूर्णा मौसी के यहाँ जाना है उनका आशीर्वाद लेने, वो अभी तीर्थ यात्रा करके आई है ना। ओम नमो नारायण। सबको बुला तो लियो है मैंने, पर मैं प्रवचन में का सुनाऊंगी, कछु समझ ही ना आ रो है। दीपावली तो कल है दादी, पर आप आज ही क्यों सजा रहे हो?
क्योंकि मेरे राम तो आज ही आएंगे मेरे आश्रम में। भाव विह्वल हुई करके दर्शन पूर्ण अपने भगवान का स्तब्ध खड़ी रह गई देखती तेज कृष्णा और श्री राम का।